590 से बिलो है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल। हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नीट की एग्ज़ाम हुई है उसकी कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगी और कितने मार्क्स पे कितने सीट्स अवेलेबल हैं और किस किस मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने किस किस यूनिवर्सिटी मिलेगी और किस किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और किस बच्चे को आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए। तो आज हमारे साथ हमारे कलीग डॉक्टर आनंद है, वो आपको बताएंगे स्टार्टिंग से। धन्यवाद। सो डॉक्टर आनंद, वेलकम टू जीत ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कितना नंबर अगर आए तो आप नीट काउंसलिंग के लिए जाएं, नहीं तो फिर दोबारा तैयारी करें या फिर अब्रॉड के लिए देखें। जैसा इस बार हुआ है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अराउंड 22 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे, 21 लाख अराउंड अपीयर हुए थे, तो 11 लाख पास हुए हैं। तो इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है पिछली बार की अपेक्षा। जैसे पिछली बार क्या था कि जिन बच्चों का 650 आया था मार्क्स नीट में, उनको बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी, जैसे 450 के तक आ गया था उनका रैंक, पर इस बार 7K क्रॉस कर गया है 650 पे। तो बेटर यही होगा कि जिन लोगों का 590 से बिलो है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल है या थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। यही होगा, या तो वो BMS, BDS या कोई और फील्ड चूज़ करें या फिर दोबारा तैयारी करें, और नहीं हो पा रहा है तो अब्रॉड की देखें। ओके और आप मार्क्स वाइज बता दो कि कितने मार्क्स, ये अगर 600 तक हैं या 700, 720 आउट ऑफ 720 बहुत बच्चे स्कोर किए, तो 720 के 600 तक मिनिमम मार्क्स कितना तक जाएगा जिसके जिस बच्चे को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट मिलेगी, जैसे 720 से स्टार्ट होगी और लास्ट मिनिमम कितने पे जाएगी, 600 जाएगी या 580 जाएगी, 590 जाएगी? बार क्या था, जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 606 था, और OBC का था लास्ट राउंड 2 का कट ऑफ था 593। तो इस बार कट ऑफ इतना तो नहीं जाने वाली है, 600 एबो ही रहेगा राउंड 2 में भी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर इस बार आया है, बच्चों का रैंक भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो अराउंड जिन लोगों का 600 प्लस या 600 तक है वो अपने आप को सेफर साइड समझें, जिनका 595 या उससे बिलो है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा बस, और जिनका 595 एबो है हो सकता है मॉपअप में या राउंड 1 राउंड 2 में मिल जाए। तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप फिर से तैयारी कर सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा कम आया है, मतलब 590 से बिलो आया उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इस बार पिछली बार की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे अराउंड 7K सीट्स बढ़ी हैं, पर मुझे नहीं लगता इतना बहुत काफ़ी होगा क्योंकि रैंक्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे 613 पे शायद इस बार 21,000 रैंक आया है, पिछली बार 600 पे 21,000 रैंक था, तो आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस कितना ज़्यादा क्रिएट हो गया है। 13 नंबर और ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 600 वाला बच्चा इस बार और ज़्यादा कम उसका रैंक आया होगा। तो मुश्किलें इसी में हैं सब, कॉलेज मिलना इतना आसान नहीं होगा इस बार। ओके जो लेकिन नहीं, जैसे 590 बस लास्ट है MBBS के लिए, वो भी गवर्नमेंट सीट के लिए, और उसके बाद अगर कोई BDS या प्राइवेट मेडिकल लेना चाहते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या अब्रॉड, मतलब, तो वो 590 के बाद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज इस बार क्या है कि 595 एबो वालों को ही हो सकता है मिले। हाँ, STSC वालों का बात अलग है, उनको इस बार 490 एबो लाना पड़ेगा, जो ST और SC से बिलोंग करते हैं। SC वालों के लिए 590 प्लस लाना, सॉरी 490 प्लस लाना पड़ेगा, और ST वालों को लगभग 560 प्लस लाना पड़ेगा इस बार। 460 मतलब 460 नंबर इस बार चाहिए कंपलसरी ST वालों के लिए। अगर इससे ज़्यादा है तभी वो सिक्योर फील कर सकते हैं, और जिन लोगों का 595 बिलो है वो BDS, BMS इन सब के लिए देख सकते हैं या फिर फॉरेन का देख सकते हैं अब्रॉड जाने के लिए। अब्रॉड तो
इस बार 137 नंबर पे ही जा सकते हैं, जिनका उससे कम आया वो नहीं जा सकते, एलिजिबल ही नहीं है जनरल वाले। ओबीसी में 107 नंबर है। नीट क्वालिफाइंग स्टूडेंट ही जा सकते, कोई दूसरा बच्चा नहीं जा सकता, वही जा सकता है। ओके एंड इस बार क्वालिफिकेशन मतलब पिछली साल के अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछली साल जैसे 93 था ओबीसी का कट ऑफ, इस बार 107 चला गया है, 126 तक चला गया है। तो वही ना, मतलब इस बार कट ऑफ भी बढ़ा है, तो इस बार मुश्किलें होने वाली हैं। पर जो भी है, आपका अगर नंबर कम है, 100 के नीचे है, तो आप एक बार तैयारी कर सकते हैं अब्रॉड जाने के लिए, क्योंकि क्योंकि इस बार 107 के ऊपर ही चाहिए। और बीएमएस के लिए 570 प्लस, ओके, उससे नीचे नहीं हो पाएगा। हाँ, और बीडीएस के लिए, ओके, एंड बीडीएस के लिए कितने कितने मार्क्स पे मिल जाएगी? हाँ, जो मतलब बीडीएस करना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल से, उतना ही लगेगा जितना बीएमएस का लगता है। बीएमएस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बीडीएस का, जैसे 575 या 580 तक हो जाता है। और जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो उधर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता है। लास्ट ईयर जैसे 510 गया था लास्ट ईयर कट ऑफ केरला का, तो जैसे 510 नंबर पे एमबीबीएस सीट मिल रहा था प्राइवेट का उधर, और गवर्नमेंट सीट भी अराउंड 550-560 मिल रहा था केरला में। तो उधर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता है। जो बच्चे इधर नॉर्थ साइड के हैं, उन्हें कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो साउथ साइड जा सकते हैं, उधर थोड़ा इजी होगा उनके लिए, बस थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, पर ज़्यादा बेटर यही होगा। जिनका 570 प्लस आया है, वो अब्रॉड ना जाके यहीं साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की साइड ट्राई कर सकते हैं। ओके, और जो ये नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, नीट काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और क्या ऑफिशियल साइट है, आप मेंशन कर दें। NTA.NIC ही उसका मेन साइट है, वहीं से हमें पता चलता है सब कुछ अपडेट। काउंसलिंग इस महीने जुलाई में 15 जुलाई के पहले स्टार्ट हो जाएगी, ये कंफर्म है। और काउंसलिंग का प्रोसेस तो पहले ऑल इंडिया का होता है, ऑल इंडिया क्लोज होने के बाद उसके बाद स्टेट काउंसलिंग शुरू होती है। तो अभी स्टेट में काफ़ी समय है, पहले ऑल इंडिया ओपन होगा। ऑल इंडिया के लिए शायद लगभग 15,000 रैंक तक के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बार, क्योंकि सीटें बढ़ी हैं, तो नंबर भी बढ़ा है, तो 15,000 तक जाएगा। पिछली बार भी 15,000 था ऑल इंडिया कोटा के लिए। और अगर नंबर ऑफ कॉलेज भी इस बार इंक्रीज हुए, एम्स भी नए खुले हैं, तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि जिन्हें कॉलेज नहीं मिल रहा है, मतलब ऑल इंडिया में जिन्हें नया कॉलेज मिल रहा है, वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कॉलेज ना ले। मतलब जैसे किसी बच्चे को अभी जस्ट ओपन हुआ कॉलेज, 1-2 साल पुराना, 3 साल पुराना कॉलेज मिल रहा है, तो वो अपने स्टेट को प्रेफर करें, ना कि ऑल इंडिया कोटा से मिलने वाले कॉलेज को। वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा अगर स्टेट का वो चूज़ करेंगे, क्योंकि नया कॉलेज है, अभी उसमें से कोई भी एक भी बैच पास आउट हुआ नहीं है, तो वहाँ पे टीचर्स के पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो अगर उन्हें ऑल इंडिया से कॉलेज मिल रहा है और अभी नया ओपन हुआ है, उसे वो चूज़ ना करें, उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और सो गाइज, आपको पूरा मिल चुका है कंक्लूजन। अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट बचा हुआ है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और क्या कि अब नेक्स्ट आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो क्या कि आपको मिनिमम मार्क्स भी है, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी इंडिया में। बट वहाँ से करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि करोड़ रुपया लगा के आप फिर जो एब्रॉड से MBBS करेंगे और जो आप करेंगे MBBS उसके बाद एक साथ नेक्स्ट बैठेंगे, तो उससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि आप एब्रॉड MBBS चूज़ कर लीजिए, जाके एब्रॉड MBBS 15-20 लाख में हो जाते हैं एब्रॉड MBBS, और वहाँ से आप आओ डायरेक्टली, उसके बाद नेक्स्ट वन दो, पार्टिसिपेट करो नेक्स्ट वन में, और आपको एक साल की इंटर्नशिप करो, आपको डिग्री मिल जाएगी FMG जिस तरह पहले देते थे, उस तरह की वैलिडिटी और रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। और अभी क्या जो इंडिया से करेंगे प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से नेक्स्ट के कारण, तो नेक्स्ट ने ऐसा बोल दिया है कि जब तक वो नेक्स्ट वन देंगे सबके साथ, नेक्स्ट वन देने के बाद उस
के बाद एक साल का इंटर्नशिप करोगे तभी आपको MBBS की फाइनल डिग्री मिलेगी। तो इससे तो बेटर ऑप्शन है कि अब्रॉड में अगर आप 6 साल का डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप नहीं कुछ भी अगर इंडिया में नहीं भी होता है तो आप अब्रॉड में काम कर सकते हो। कम से कम वहाँ डिग्री तो हाथ में मिल जा रही है, वहाँ के हॉस्पिटल्स में आप काम तो कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर में आप कोई से भी कंट्री में काम कर सकते हो, USMLE, प्रा ECFMG, आप कोई सा भी एग्ज़ाम वहाँ से क्रैक कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसके वजह से मैं बोलूँगा द बेस्ट ऑप्शन अभी खुला हुआ है अब्रॉड MBBS। अब प्राइवेट तो आप छोड़ दो, अगर आप में सक्षम है, आप में कैपेबिलिटी है, आप में जुनून है, जोश है, तो यू कैन ट्राई फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मैं ये कहूँगा कि अगर प्राइवेट लेने चाह रहे हो उससे अच्छा कि आप